वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेलशा। तो देखो अभी आपका क्या चल रहा है, चंडीगढ़ एनटीटी का आपका एग्जाम है एंड उसके लिए हम यहाँ पे कुछ रिवीजन क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं एंड आज की ये हमारी थर्ड रिवीजन क्लास रहेगी एंड इसके अंदर हम कुछ 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस को रिवाइज कर चुके हैं। यहाँ पे ये आपकी क्या है, थर्ड रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज सीपीयू मेमोरी स्टोरेज और फाइल। क्या क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जो आपके डेटा को टेम्परली कुछ टाइम के लिए क्या करता है, स्टोर करता है एंड ये कौन सा डेटा होता है, तो ये वो डेटा होता है जो प्रोसेसिंग होने के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो उस वेटिंग वाले डेटा को कुछ टाइम के लिए जो कंप्यूटर का पार्ट स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, सीपीयू मेमोरी स्टोरेज या फाइल। तो उस पार्ट को कहते हैं मेमोरी। ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी मेमोरी है वो क्या करती है, मेमोरी एक एरिया है कंप्यूटर का जो आपके डेटा को क्या कर रहा है, टेम्पररी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक इज द की टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट कैंसिल ए कमांड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स टैब शिफ्ट एस्केप और F10। आपको बताना है कि आपके कीबोर्ड में आप कौन सी की का यूज करते हो किसी भी एक कमांड को कैंसिल करने के लिए या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, एस्केप की। ठीक है, एस्केप की का यहाँ पे यूज होता है किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए। इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड शिफ्ट टैब एंटर कंट्रोल। कौन सी की हेल्प से आप किसी भी एक सिलेक्ट की हुई कमांड को रन कर सकते हो, तो इसके लिए आप यूज करोगे एंटर की का। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो वो पर्टिकुलर कमांड क्या हो जाती है, रन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स की आपको शॉर्टकट की बतानी है, काफी बार बताया है F5, F6, F9 और F12। तो F12 यहाँ पे सेव एज बॉक्स की शॉर्टकट की रहेगी एंड अगर हम F12 को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तब ये क्या करेगा, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। डेटा बिकम्स फिल इन द ब्लैंक When it is presented in a format that people can understand and use, processed graph information presentation। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका डेटा क्या बन जाता है, कब कि भाई वो इस फॉर्मेट में आ गया कि पीपल उसको इजिली क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं एंड उस पर्टिक्यूलर फॉर्मेटेड डेटा को क्या कहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही क्या देती है आपको, एक मीनिंगफुल आपको डेटा देती है। द टर्म डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि उस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को और एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर में जो आप अलग से डिवाइसेस जोड़ते हो, ऐड करते हो, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन डी आंसर है। फिल इन द ब्लैंक इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सर्वर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, मतलब उसके अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है, तो पर्सनल कंप्यूटर
क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम और प्लानिंग रूम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऊपर जो अभी क्वेश्चन आया था ना कि जिसमें हम बोल रहे थे कि भाई कंप्यूटर का जो मेमोरी पार्ट है, ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना जिसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर का जो मेमोरी पार्ट है वो आपके डेटा को टेम्पररी होल्ड कर रहा है, वहां पे वो क्या कर रहा है कि जो आपका डेटा वेट कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए उसको होल्ड कर रहा है। एंड यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है कि जो रैम है उसमें क्या कर रहा है, आपका डेटा वेट करेगा। तो यहाँ पे रैम किसकी तरह एक्ट करेगा, एक वेटिंग रूम की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिलेबस में टॉपिक है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। एलोकेट रिसोर्स, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स भी एलोकेट करता है, मॉनिटर करता है सभी एक्टिविटीज को, डिस्क एंड फाइल को भी मैनेज करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड अगर आपसे प्राइमरी फंक्शन पूछा जाए और ऑल ऑफ द अबव आंसर में ना हो तब आपका आंसर रहेगा एलोकेट रिसोर्स, रिसोर्स मैनेजमेंट इसका मेन फंक्शन है। टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर, फाइल एनक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपी। ये आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, फाइल को कॉपी कर रहे हो, और यहाँ पे आप किसका यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन चैनल का यूज कर रहे हो, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो फाइल कॉपिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। फाइल कॉपिंग मत करके आना, कम्युनिकेशन चैनल का यूज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर। एंड कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इज टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम, बायोस, CP, मेमोरी। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसका प्राइमरी फंक्शन है हार्डवेयर को सेटअप करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, उसको स्टार्ट करना। तो देखो बूटिंग एक प्रोसेस बताई थी, कंप्यूटर की जो स्टार्ट करने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। एंड बूटिंग के अंदर आपका क्या आता है, एक बायोस आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड बायोस का ही ये क्या है, फंक्शन है टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। What kind of memory is both static and non-volatile? RAM, random access memory, ROM, read-only memory, BIOS, basic input-output system and cache memory. तो यहाँ पे question क्या है कि इनमें से कौन सी memory आपकी static भी है और non-volatile भी है। तो जब मैं आपको memory करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको static memory, dynamic memory भी करवाया था and volatile और non-volatile memory के बीच का difference भी बताया था। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ROM होती है वो आपकी static and non-volatile both है। Is computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software? काफी important question है ये आपका। Application software, system software, software operating system। Question में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा computer software, कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है और साथ ही साथ में जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो क्या आंसर रहेगा आपका, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं एंड साथ ही साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर के टाइप है। The
द इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड. डेटा माइग्रेशन रेट, डेटा डिजिटाइजिंग रेट, डेटा ट्रांसफर रेट और डेटा एक्सेस रेट. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप जो डेटा ट्रांसफर करते हो एक स्टोरेज, क्वेश्चन में क्या है कि अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकंड. मतलब जो डेटा हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं कि वो किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है. जैसे कंप्यूटर पर सेकंड, कितने पर सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक टर्म यहाँ पे यूज होती है एंड उसे हम कहते हैं DTR, डेटा ट्रांसफर रेट. डेटा ट्रांसफर रेट यहाँ पे क्या है कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर रेट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ डेटा, कि कितना डेटा एक स्टोरेज डिवाइस ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, टू द कंप्यूटर पर सेकंड. पर सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है. अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड एज. एक ऐसा डिवाइस जो आपके CPU से कनेक्टेड नहीं है उसे क्या कहोगे, लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस या डिवाइस. तो जो डिवाइस आपका CPU से कनेक्टेड नहीं है उसे हम ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं. ऑप्शन सी आंसर रहेगा. व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप, रैम, रोम, LSIC, PROM. जो प्रोग्राम्ड चिप है इसे हम क्या कहते हैं, रोम भी कह देते हैं. ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन विच जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो जो आपके ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम है वो थर्ड जनरेशन में क्या हुए थे, पॉपुलर हुए थे. यू यूज अ सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है. इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ द अबोव. देखो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, आप वन बाय वन क्या करोगे, डेटा को रीड करोगे. अगर आपके पास 100th डेटा है और आपको 99 वाला रीड करना है तो आपको फर्स्ट 98 पहले रीड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप 99 वाला डेटा रीड कर पाओगे. लेकिन जो रैंडम एक्सेस है, अगर रैंडम एक्सेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी डेटा पे जंप कर सकते हो. ऑप्शन बी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ टू और मोर टास्क, जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली. ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी कंप्यूटिंग. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करवाए थे एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो एक साथ एक से ज्यादा काम हो रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मीन्स कि एक टाइम पे आप एक से ज्यादा क्या कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, एंड इसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं. The task of performing operations like arithmetic and logical operations is called processing, storing, editing and sorting. तो यहाँ पे हम arithmetic and logical operations को अगर आप perform कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं, processing कहते हैं. ALU and control unit jointly known as RAM, ROM, CPU, PC. ALU और control unit किसके part है, CPU के. तो option C answer रहेगा. RAM is an example of secondary, primary, none of these या both. RAM is an example of primary memory. Magnetic disk is an example of secondary, primary, main, both. Magnetic disk is an example of secondary memory. Which one of the following is not a computer language? MS Excel, BASIC, COBOL, C++. MS Excel is a system. MS Excel is a application software and spreadsheet software. BASIC, COBOL, C++ are computer languages. RAM is also called as read-write memory, long memory, permanent or primary memory. So RAM is also called as read-write memory. RAM memory के अंदर आप क्या कर सकते हो, read भी कर सकते हो and write भी कर सकते हो. And RAM memory आपकी primary memory का भी एक part है, लेकिन जो
ज्यादा इसके लिए करेक्ट आंसर है वो रीड राइट मेमोरी रहेगा. इट स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट एड्रेस रजिस्टर नंबर और मेमोरी. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि भाई इनमें से क्या आपके डेटा को टेम्पररी यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन उसको क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफर कर देते हैं. तो रजिस्टर ऑप्शन बी. सिलेक्ट द ओड वन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर. इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर आर ट्रांसलेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. A is an additional set of commands that the computer display after you make a selection from the main menu. Dialog box, submenu, menu selection, all of the above. तो यार देखो जब भी आप main menu से कुछ भी select करते हो तो आपको कुछ additional set of commands show होती है and इसे क्या कहते हैं, dialog box. Option A answer रहेगा. नेक्स्ट इज कोबोल इज एन एक्रोनियम फॉर. कोबोल के फुल फॉर्म पूछिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट हैकर स्पैम वायरस आइडेंटिटी थेफ्ट. इनमें से क्या आपका कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके लिए कोई प्राइवेसी रिस्क नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है एंड बाकी सबसे आपको क्या है, सिक्योरिटी का इशू रहेगा. तो हैकर से भी आपको प्राइवेसी रिस्क है, वायरस से भी है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, लेकिन जो स्पैम आप ईमेल में आपको जो स्पैम आते हैं ना, जो अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, उनको हमें ऐसा कोई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला रिस्क नहीं होता. तो ऑप्शन बी. Which of the following is not one of the four major data processing function of a computer? इनमें से आपके जो computer है उसके चार data processing के function है and इनमें से कौन सा एक function नहीं है. तो देखो data processing करने के लिए आपको data gather करना पड़ेगा, collect करना पड़ेगा, फिर उस data के ऊपर क्या करोगे, आप प्रोसेसिंग करोगे एंड वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आप उसको क्या करोगे, स्टोर भी करोगे. एनालाइज वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि जो डेटा प्रोसेसिंग के फंक्शंस होते हैं उनमें हम प्रोसेस करते हैं ना कि एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following are example of storage device except hard disk, printer, floppy disk and CD drive. तो printer आपकी कोई storage device नहीं है, output device है. CPU and memory are located on expansion board, motherboard, storage device, output device. CPU and memory आपके motherboard पे होते हैं. Is the science that attempts to produce machine that display the same type of intelligence that humans do. नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिम्युलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्वेश्चन क्या है कि ऐसी उस साइंस को, ऐसी कंप्यूटर की ब्रांच या वो ऐसी साइंस जिसके अंदर आप मशीन्स बना रहे हो एंड ये मशीन क्या कर सकती है, जो आप हम जो ह्यूमन बीइंग है उनकी तरह क्या करती है, इंटेलिजेंस को शो करती है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या है, एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मशीन को प्रोड्यूस करते हैं. सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क्ड मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर और क्लाइंट. क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके सर्वर क्या है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, सर्वर क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को क्या करेंगे, रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाएंगे एंड ये क्या किससे कनेक्ट रहते हैं, तो ये आपके मेन फ्रेम में होते हैं. व्हेन क्रिएटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड यूजर सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर ऑल ऑफ द अबो. तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जब आप क्रिएट करते हो तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, डिजाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम.
Which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? LED, LCD, CRT, flat panel monitor. तो आपके टीवी की तरह कौन से दिखाई देते थे? CRT, कैथोड रे ट्यूब. Computers process data into information by working exclusively with multimedia, word, number, character. तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस करेगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, एंड वो किस पे काम करता है? तो वो आपका नंबर्स वो पे काम करता है. ऑप्शन सी. डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, ई इलिटरेसी. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई वो पीपल जो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, एंड वो जो कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस नहीं करते, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो डिजिटल डिवाइड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेव्स एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग और यूटिलाइजिंग. मैनिपुलेट डेटा, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड रोबोटिक्स, सिम्युलेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, एनिमेशन. देखो जैसे फॉरेंसिक होता है ना, आपने फॉरेंसिक के बारे में सुना भी होगा, तो इस कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक कंप्यूटर फॉरेंसिक होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई आपका जो फाइल डिलीट कर दिया गया है उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, एंड ये आपका क्या है? लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी का एग्जाम्पल है. Where does most data go first with a computer memory hierarchy? RAM, ROM, BIOS, cache. सबसे पहले आपका data कहाँ पे जाता है? Computer की memory hierarchy की बात करें तो RAM में जाता है. Which of the following is designed to control the operation of a computer? User, application software, system software or utility software. तो system software होते हैं जो आपके computer के operations को control करने के लिए design किए जाते हैं. आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट. कुकीज, प्लग इन, स्क्रिप्ट और ASP. ये मैंने आपको करवाया भी है नेटवर्किंग में. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई यूजर को आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपने कोई साइट विजिट करी एंड उस साइट के ऊपर आप दोबारा से गए हो, तो उसमें वो क्या करेगा? आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि आपने लास्ट ये देखा था, तो इस तरह से आपको कुछ शो करेगा. ये किसकी हेल्प से होता है? कुकीज की हेल्प से. Cookies are used to identify a user who returns to a website. Code consisting of lines of varying width or length that are computer readable are known as an ASCII code, a magnetic tape, a OCR scanner, a bar code. क्वेश्चन क्या है कि आपका वो कोड जिसके अंदर लाइंस होती है, इस तरह से क्या होती है? लाइन. एंड ये कंप्यूटर रीडेबल लाइन है. क्या कहते हैं इसको? बार कोड. Why is it unethical to share copyrighted files with your friends? Networking से related question है. जो copyrighted file है आप उनको अपने friends के साथ share नहीं कर सकते, वो क्या है आपका? Unethical है, मतलब कि वो सही नहीं है, एक crime में आता है वो आपका. क्यों आता है? तो यहाँ पे देखिए, it is not unethical because it is legal. It is unethical because the files are being given for free. Sharing copyrighted files without permission break copyright laws. It is not unethical because the files are being given for free. अब उनके ऊपर क्या होता है भाई? copyright लगा होता है, इसीलिए अगर आप कोई भी copyrighted file को share करते हो तो आप क्या कर रहे हो? copyright law को break कर रहे हो. Option C answer रहेगा. Reusable optical storage will typically have the acronym CD, DVD, ROM, RW. तो यहाँ पे देखिए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, इसको हम क्या कह रहे हैं? RW भी कह देते हैं, रीराइटेबल. ठीक है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर स्टील, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश. ऑप्टिकल क्या है आपका? सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस है. अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क
विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सेंट्रलाइज्ड नन ऑफ दिस। आपके डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है विदाउट द यूज ऑफ केबल, उनको हम क्या कह रहे हैं? आप वायरलेस नेटवर्क में चले जाओगे, ठीक है? तो नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ये क्या थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।